भारत को जंग की धमकी और परमाणु हमले की धौंस देने वाला पाकिस्तान आखिरकार मुंह लटकाकर बातचीत के टेबल पर आ गया है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में अपना प्रोपेगेंडा बेचने में नाकाम रहने के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत से द्विपक्षीय बातचीत में कोई एतराज नहीं है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये बयान तब आया है जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद अब भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने वार्ता की पेशकश करते हुए कहा कि अगर इसमें कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता करता है तो पाकिस्तान को खुशी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत की ओर से उन्हें वार्ता का कोई माहौल नहीं दिखता है। कुरैशी ने कहा कि वार्ता शुरू होने के लिए जरूरी है कि नजरबंद किए गए कश्मीरी नेताओं को रिहा किया जाए। कुरैशी ने बातचीत करते हुए एक पक्षीय शर्त रखते हुए कहा कि उन्हें कश्मीरी नेतृत्व से मिलने की इजाजत दी जाए ताकि वे उनसे बात कर सके और फिर कश्मीरी नेतृत्व पर बातचीत के लिए दबाव डाल सके। शाह महमूद कुरैशी का ये बयान हाल के दिनों में पाकिस्तान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव है। इस बयान से पहले तक पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ सामान्य रिश्ते की सारी संभावना खारिज कर चुके थे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे।